बात जब भी किसानों की और उनकी समस्याओं की आती है तो आपने देश के टेलीविज़न पर और मीडिया में पुरुष किसानों को देखा होगा, उनकी पीड़ा सुनी होगी। लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं एक महिला किसान, लेडी फार्मर, उनसे मैं आपकी बात कराऊंगा। पीड़ा है उनकी, वो भी आपसे आप सुनिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता भाई है। तो आप परेशान क्यों लग रहे हो? ये सब मिर्ची लगाई, मिर्ची भी सब चलेगी, तीन दिन बार लगाई, तीन बार भी सब साफ, काई भी नहीं बिल्कुल। टमाटर देखे तो ये भी गया, और सोयाबीन देखे तो 30-40 का सोयाबीन है, दानो नहीं है बिल्कुल, झांखरा हुआ बिल्कुल। हम देख लो भले निकलो, यहाँ पे काई खरा हर साल ऐसे कमी आओगे तो मैं कट जाऊंगा। बोलो, पिछले साल भी फसल अच्छी नहीं थी? नहीं भी, पिछले साल भी काई भी नहीं हुआ। बोलो, ज्यादा पानी गिरा था? हाँ, ज्यादा पानी में सब गली गयो, काई भी नहीं हुआ। एक 14 बीघा कोतली में खेत है हमारे, बड़ा दो ट्राली सोया भरा, 10 थैला भी सोया नहीं लाया। मैं दाड़िया लागे, 50 दाड़िया लागे, 30-40 दाड़िया अभी भी लागे नहीं। दोबारा काई कर सका हम, अब बहुत परेशान हाँ बोले सरकार, काई भी करना में जो करे निर्णय मारो। अच्छा, कोई आया नहीं आपके पास यहाँ पे अधिकारी या पटवारी? एक भी अधिकारी नहीं आया हमारे, बस यही हम पहली बार आप आए हो, बाकी कोई भी आई नहीं देखा, गए साल भी नहीं देखे, अब के भी नहीं देखे, कोई भी आओ वाला नहीं। तो ये शिवराज सिंह जी कहते थे कि खेती को वो फायदे का धंधा बना रहे हैं, काय का फायदा, काय का फायदा, कौन सा फायदा बना, काई भी फायदा नहीं हमारा, तो गठो जाए रो काय रो फायदो। हम तो यार तोजी भरवात्रा पैसा भी कोई नहीं, बोलो काय से भरा हम, तोजी बिजली बिल या घर खर्चा हमारे पेट रहा, यो भी खबर कोई नहीं। कर्जा ले रखा बैंक से, वी भी काय से भरना, बोलो काय से भरना कर्जो भी। तो ये साल भी जितना आके देख गए, देखिन गया हमारी फसल क्यों जीते, देखे गया था नहीं भाई, पूरी बात बता दिया तू, सब दूर घूमी हमारी फसल सब देखी, कड़े भी खाई भी नहीं करो। तो आपको कोई उसका बीमा या फिर सरकार की ओर से आया? बीमो ही नहीं आया, काई भी नहीं आया, माउजो के बीमो का काई भी नहीं दियो, बीमो तो अपना कटे पैसा, इनको इनको बोलने दो। हाँ, काई भी नहीं दियो बेटा, बीमो के माउजो के एक रुपये ही नहीं आयो हमारे, तो बस खर्चो करा, ये लोन लाने यू करा, उतल धड़ा ने खेती करा, फिर मामा आज हमारे तीन तीन चार चार दान मर्चा लगाई, बोलो फिर भी अब काई भी कोई नहीं, खवा सत लाइन लगाई भले आठे दे नर्सरी में लाइन लगाई, टमाटर पाँच दान ले आए हम, काई कर सका, बोलो बहुत परेशानी है। न हमारा शिवराज हुना तो हुना, न नहीं हुना है तो फिर आत्महत्या कर लेंगे हम सब, सही में बहुत तकलीफ है। या तो काई है, अब काई करनो रही हो, घनी परेशानी भाई, भगवान मुँह तो ऐसी परेशानी मारती नहीं देखा, पहले हाँ पाकतो था, पहले था हाँ पाकतो था। ना विधवा थी मैं, 20 साल तक विधवा रही, मैं भी अकेले कमाए, मारे भी मकान भी बने लो तुमने ना, अबे तो काई नहीं मले, हर साल ही परेशानी। नहीं जैसा हाईब्रिड रो खर्चो, दवाई ले जाओ तो एक डोज लगाओ तो हम 10-15 हज़ार लागे नहीं लागे। अभी हमारे कटा बटा कोदली नटने दवाई छाटी 40-40 हज़ार रह गया है, 1 लाख रुपया पर ना है हमारे कड़त लाइन पर ना है। अन्य हर मुकाले देखा कि मन रोज रोज आएगी सोयाबीन रो, मेरे काय कंडीशन कोई नहीं, कहीं हालत खराब होगी थी, बस यह परेशानी है। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम गीता भाई है। तो आपने गीता भाई को सुना, उनकी पीड़ा को सुना, लेडी फार्मर हैं, अपने बेटे के साथ ये खेती करती हैं, उनकी मदद करती हैं, लेकिन परेशान हैं, लगातार दूसरी बार उनकी फसल खराब हुई है। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोन कैसे चुकाएंगी, बाकी खर्चे साल भर कैसे चलाएंगी, परेशानी है। उम्मीद सरकार से है और सरकार भी साथ नहीं देगी तो ये किसान कहाँ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। देखते रहिए झाबुआ लाइव।